सो बीच पे थोड़ा बहुत टाइम स्पेंड करने के बाद हम आ गए अपने रिसोर्ट पे। रिसोर्ट पे चेक इन किया। तो अगर आप फेरी से आते हो, M2M फेरी से, तो यहाँ से भी बहुत नज़दीक एक बीच लगेगा। सबसे फर्स्ट बीच आपको लगेगा वो है किहिम बीच। यहाँ पे साई इन करके एक रिजॉर्ट है, बहुत अच्छा रिजॉर्ट है। यहाँ पे बहुत से रूम अवेलेबल होते हैं, आप ऑनलाइन भी बुकिंग कर सकते हो। और मैं एक लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा अगर आपको बुकिंग करना है, और नंबर्स भी दे दूंगा उस पर। तो ये रिसोर्ट स्टार्ट होता है अराउंड 3500 टू 9000 तक के। यहाँ पे डबल बेड AC रूम्स अवेलेबल है, और कॉटेजेस भी अवेलेबल है, स्विमिंग पूल है, बफे होता है। अगर आप पैकेज में इंक्लूड आपके करते हो, हमने सिर्फ रूम किया तो इसमें मॉर्निंग ब्रेकफास्ट अवेलेबल है। तो इस रूम का एक पूरा मैं आपको टूर भी करवाऊंगा, एग्जैक्टली ये रिसोर्ट कैसा है, स्विमिंग पूल कैसे है, बाकी के एमिनिटीज़ कैसे है, वो सारी चीज़ें हम एक्सप्लोर करेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे हम शुरुआत करते हैं रूम से। तो ये है सुपर स्टैंडर्ड रूम। तो यहाँ पे आप देखोगे कि यहाँ पे डबल बेड है, देन AC, TV, ये सारी चीज़ें तो बेसिकली हर एक चीज़ में होती है। TV है, एंड देन रूम भी बहुत अच्छा है विथ AC है। देन आपको अगर अभी अंधेरे में आपको कुछ दिखाई तो देगा नहीं यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे व्यू भी बहुत अच्छा है, जो आप मॉर्निंग में ओपन करके देख सकते हो स्लाइड। और यहाँ पे इस रिजॉर्ट की प्रॉपर्टी कैसे, एक्चुअली बहुत सी ग्रीनरी भी बहुत है यहाँ पे। अभी थोड़ा बहुत मैस है क्योंकि हम अभी बीच पे से जाके आए। तो ये रूम की पूरी जो प्रॉपर्टी है वो हम एक्सप्लोर करेंगे, तो देखते रहिए। टाइम फॉर ब्रेकफास्ट, उसके बाद हम लंच भी करेंगे। आज संडे है तो हम सी फूड ट्राई करने वाले। एंड लुक एट दिस व्यू, कोकोनट ट्रीज, साइन रिसोर्ट, कीम से बस 7-8 किलोमीटर है। बहुत बेस्ट बीच है, आपको बैकग्राउंड में देख, प्रॉपर्टी इज वेरी बिग। Look at this, without disturbing, थोड़ा सा शूट करते हैं हम। और ये जो पूरा रिसोर्ट का प्रॉपर्टी है, इट्स स्प्रेड अराउंड लाइक 1 एकड़ में पूरा प्रॉपर्टी इनका। कोकोनट ट्रीज, फुल ग्रीनरी, बहुत ह्यूज प्रॉपर्टी है।